हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, गैर संभावित नमूने के प्रकार। दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे हम। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का फर्स्ट टाइप अगर हम देखें तो पहला है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग वो मेथड होता है जब रिसर्चर सेलेक्ट करता है, कन्वीनियंस नाम से ही पता लग रहा है, सुविधा, नमूनाकरण बोलते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार सैंपल को सिलेक्ट कर रहा है अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, कि जहाँ तक उसकी मतलब जहाँ पे जो उसको डेटा चाहिए वो उसको अवेलेबल, जहाँ तक उसको जो अवेलेबिलिटी है उसकी, जो पहुँच है जहाँ पे इजी होगी वहाँ से वो डेटा कलेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं कि एक रिसर्चर जो है सर्वे करना गया है किन लोगों के पास, जो शॉपिंग मॉल में है। ठीक है, कि उनकी किसी न्यू प्रोडक्ट के बारे में। तो ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग का एग्जांपल है क्योंकि वहाँ पे उसको जो लोग हैं वो इजीली मिल जाएंगे। तो वहाँ पर उसको उसको जो पहुँच है उसके पार्टिसिपेंट तक वो क्या है, इजीली उसके उसकी जो पहुँच है वहाँ पे ईजिली है। ठीक है, तो उसने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सैंपल सेलेक्ट करें कि उसे इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ पे जो उसे लोग हैं वो एक साथ ही बहुत सारे लोग जो मिल जाएंगे और उनके उनसे वो जो है जो भी न्यू प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। ठीक है, फिर आता है कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग, लगातार नमूनाकरण। तो इसके अंदर क्या होता है, जो रिसर्चर है एक पर्सन को पिक करेगा, सिंगल पर्सन को। ठीक है, और या फिर हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल फॉर सैम्पलिंग। और फिर रिसर्चर क्या करेगा, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसको एनालाइज करे, रिजल्ट करेगा और फिर मूव कर जाएगा अनदर ग्रुप पे अगर उसको उसकी ज़रूरत होगी तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होती है, कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग। एक पर्सन को सिलेक्ट करा, फिर देन दूसरे पर उसे इंफॉर्मेशन गैदर करी। ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल और फिर उनके हिसाब से जो है वो क्या करता है, पीरियड ऑफ ओवर ओवर टाइम वो सैंपल को सिलेक्ट करता है। फिर आता है जजमेंटल सैम्पलिंग, तो इसको पर्पजिव सैम्पलिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इस मैथड के अंदर जो है कि जो रिसर्चर है सिलेक्ट करता है कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल को। ठीक है, और जो उसके किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, जो उसकी एक्सपर्टाइज है या जजमेंट है उनके ऊपर, रैंडम सैम्पलिंग की तरह नहीं है। जजमेंट सैम्पलिंग जो है यहाँ रिसर्चर अपने डिसीजन मेकिंग के थ्रू जो है अपनी कन्वीनियंट चॉइस के अकॉर्डिंग जो है सिलेक्ट करता है। यहाँ पे अब मान लीजिए एक मार्केट है। ठीक है, रिसर्चर वहाँ समझना चाहता है कंज्यूमर की प्रेफरेंस लग्जरी वॉचेस के लिए, तो वो स्पेसिफिकली चूज़ करेगा जो इंटरव्यू उन लोगों के जो हाई इनकम इंडिविजुअल होंगे, क्योंकि उन्हीं को लग्जरी वॉचेस के बारे में पता होगा। अब जो गरीब आदमी होगा उसको थोड़ी ना पता होगा कि जो लग्जरी वॉचेस कौन कौन सी कंपनी की आती है और कितने कितने रेंज की आती हैं। तो वो अपनी किसके अकॉर्डिंग चूज़ कर रहा है, अपनी एक्सपर्टाइज उन्हें देखा, अच्छा इसकी हाई लेवल इनकम है तो उसको इसके बारे में नॉलेज होगी और ये पर्सन जो है इसको यूज़ भी करता होगा, लग्जरी वॉचेस जो है वो पहनता भी होगा। ठीक है, तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने जो उसकी एक्सपर्टाइज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो जो है स्पेसिफिक जो है इंडिविजुअल्स को यहाँ सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, जजमेंटल सैम्पलिंग होती है। फिर आता है कोटा सैम्पलिंग, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का वो मेथड है जहाँ पे रिसर्चर डिवाइड कर देता है पॉपुलेशन को सब ग्रुप, या हम बोले स्टार्टअप में। ठीक है, उनके स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक लाइक एज, जेंडर, इनकम, फिर उनमें से रैंडमली पार्टिसिपेट को जो है सिलेक्ट करता है सब ग्रुप में से। ठीक है, तो इस मेथड को हम बात करें, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। एक पॉलिटिकल पोल में, ठीक है, एक रिसर्च टीम है, उसको 500 इंडिविजुअल का क्या करना है, सर्वे करना है। ठीक है, उसमें उसे पता है कि इसके जो 500 लोगों का जो सर्वे वो कर रहा है उसके अंदर उसे पता है 60% तो फीमेल है और 40% मेल है। ठीक है, 60% मेल, तो उसने यहाँ कोटा सैम्पलिंग कर दी, सिलेक्ट करी 300 फीमेल्स और 200 मेल। ठीक है, वेरियस लोकेशन से उसे ये पता है कि उसको एक रिसर्च करनी है। ठीक है, उस रिसर्च में कितने कितने लोग होने चाहिए, 500 लोग होने चाहिए। ठीक है, तो उसने पॉपुलेशन यहाँ पे वो जानता है कि उसको 60% फीमेल चाहिए, 40% मेल चाहिए, तो उसने सेलेक्ट कर लिए लोग 300 फीमेल और 200 मेल वेरियस लोकेशन से। ठीक है, और उनसे भाई उसने डेमोग्राफिक जो बैलेंस है वो बनाए रखा कि उसको 60% फीमेल चाहिए, 40% मेल चाहिए, उस हिसाब से उसने 300 महिलाओं का सर्वे करा, 200 पहले से ही उसे पता है कि भाई उसे 60% फीमेल चाहिए, 40% मेल, तो उसने उतने ही पर्सन सेलेक्ट करे, 300 क्या फीमेल, 200 मेल। ठीक है, उनके हिसाब से जो है अपना रिजल्ट जो भी रिसर्च करनी थी उसने वो करा। तो यहाँ रैंडमनेस नहीं है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। ठीक है, तो यहाँ पे बायसनेस हो सकती है, पक्षपात हो सकता है, क्योंकि यहाँ रैंडमनेस की कमी है, क्योंकि उसे पहले से ही पता है कि उसे 500 इंडिविजुअल पे सर्वे करना है तो 60% मेल होना चाहिए, 40% उसने सभी जगह जाके सेलेक्ट नहीं करा कि सभी इंडिविजुअल का लिया, उसमें से फिर वो सेलेक्ट करे पर्सन कि मैं इन 60% महिलाओं को और इस 40% मेल्स को जो है मैं अपनी जो है सर्वे में लूँगा। उसने पहले से ही जो है उतने ही सेलेक्ट करे जितने उसे चाहिए थे। ठीक है,
तो अपने हिसाब से उसने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। तो ये कोटा सैम्पलिंग होती है, फिर आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो इसके अंदर जो है क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है, जहाँ पे डिफ़िकल्ट टू लोकेट और जहाँ पे क्या होता है लोकेट करना और सेस मेंबर तक स्पेसिफिक पॉपुलेशन जो पहुँचना डिफ़िकल्ट होता है। इस मेथड के अंदर जो है इनिशियल पार्टिसिपेंट को चूज़ किया जाता है, इंटरव्यू किया जाता है और फिर उससे कहा जाता है कि आप आगे अंदर वीडियो अदर इंडिविजुअल को बताएं इस स्टडी के लिए। ठीक है, तो स्नोबॉल, जैसे स्नोबॉल होती है बर्फ़ का गोला होता है, अगर एक मतलब बर्फ़ जैसे गिरती है तो वो गोला क्या होता है, बर्फ़ आगे की जो नीचे उसके पास जो बर्फ़ आती जाती है वो बढ़ता जाता है ना, जिस तरीके से स्नोबॉल जो होती है, उसी तरीके से यहाँ पे आपने क्या करा, पहले रिसर्चर पहला एक पार्टिसिपेट सेलेक्ट करा, उसका इंटरव्यू लिया, फिर आपने उससे बोला कि आप मुझे कोई दूसरा पर्सन बता दो मेरी रिसर्च के लिए। ठीक है, फिर उसने बता दिया, दूसरे पर्सन का आपने इंटरव्यू लिया, फिर उससे बोला कि आप मुझे कोई थर्ड पर्सन बता दो। इसी तरीके से जो ये बॉल जो है क्रिएट होती जाती है। ठीक है, कि वो खुद नहीं ढूंढ रहा है यहाँ पे, जो पार्टिसिपेंट है उन्हीं से ही कह रहा है कि मुझे आगे रिसर्च के लिए जो है पार्टिसिपेंट बता दीजिए। ठीक है, अब जैसे इसमें इन्वॉल्व हो सकती है लाइक ड्रग यूज़र। ठीक है, ड्रग यूज़र, किसी ड्रग यूज़र पे मतलब आप ड्रग आप ये इन पर्सन पे जो है रिसर्च कर रहे हैं, ड्रग जो ड्रग ज़्यादा लेते हैं, तो आप घर घर जाके तो नहीं आप पूछेंगे कि कोई कोई आपको एक का पता लग गया, अच्छा ये ड्रग कंज्यूम करता है, तो वो बता सकता है कि हाँ कोई और पर्सन जो ड्रग कंज्यूम करता हो उनके बारे में आपको रिसर्च करनी हो। ठीक है, तो फिर वो तीसरे है, तो इसी तरीके से जो चेन है वो क्रिएट होती जाएगी, तो स्नोबॉल। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग था, तो यहाँ ये टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।